चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ये क्या है? इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। बेटे, कई बार क्या होता है कि आप जो है ना अपने शेयर्स जो है प्रमोटर्स को भी दे देते हैं। तो जो प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए समझते हैं। देखो ध्यान से, पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं बेटा। लिखो, सम टाइम कंपनी इश्यूज शेयर्स टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेस रेंडर्ड टू दी कंपनी। बड़े ध्यान सुनो मेरे बच्चे, क्या होता है कि कंपनी है ना अपना शेयर इश्यूज करती है किसको? प्रमोटर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें क्या दे रखी होती है? सर्विसेज। तो जो सर्विसेज रेंडर्ड की जाती है कंपनी को, उसके बिहाफ पर क्या किया जाता है? आपको शेयर्स इश्यू कर दिए जाते हैं। ठीक है, सही है। उसके आगे लिखिएगा, फ्रॉम दी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इट इज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। जो उन्होंने हमें बेटा सर्विसेज दी थी वो क्या कहलाती है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। और इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एक्सपेंस। ये जो बेटे आपके पास ध्यान रखना है कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंस कहा जाता है एज द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद क्या होता है, एक चीज समझिए कि ये जो चीज होती है ये क्या कहलाती है? हैंस द अमाउंट इज डेबिटेड। ये क्या हो जाता है बेटा? डेबिटेड हो जाता है टू इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं और फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये दोनों चीजें आपने बेटा बहुत ध्यान से रखनी है कि ये चीजें आपके पास जो डेबिटेड की जाती हैं वो इसके नाम से कर दी जाती है। बात समझ रहे हैं? अब हमने क्या करना है कि जो भी प्रमोटर होते हैं उन्होंने जो हमें सर्विसेज दे रखी होती है तो उनको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। तो उसी लिए जो आपके पास चीजें आती हैं तो उसको आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट के नाम से एंट्री पास आउट कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब बात ध्यान सुनिए कि सर इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री आप लिख लीजिए, तो ये जर्नल एंट्री आपकी क्या आ जाएगी?
इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? प्रमोटर के नाम से। ठीक है मेरे बच्चे, इसकी नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन इज बीइंग द अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर। बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे? सेकंड एंट्री पास करेंगे, तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? प्रमोटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटे हमने उनको उनकी सर्विसेज की जगह क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए, तो प्रमोटर अकाउंट्स डेबिट टू शेयर अकाउंट में। ठीक है बच्चे, इसकी नरेशन लिख लेते हैं। तो नरेशन इज बीइंग इशू ऑफ शेयर्स, जो भी आपके शेयर्स होंगे ये शेयर्स के यहाँ नंबर आ जाएंगे, ऑफ रुपीज, जो आपके यहाँ रुपीज होंगे वो आ जाएंगे, ईच एज फुल्ली पेड टू दी प्रमोटर। बात समझ में आ गई? तो आपकी ये दो तरीके की एंट्री पास हो जाएगी बच्चे, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन। ये आपका डेबिटेड हो जाएगा एक्सपेंस एज ए प्रमोटर के नाम से। दूसरी, प्रमोटर जब क्रेडिट करे जाएंगे उसके बदले आप उसको शेयर्स दे देंगे, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर आता है मेरे बच्चे समझ में? नाउ इसके लिए आप एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको। बेटे देखो ध्यान से, माधव लिमिटेड 2500 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच कितने इशू करे गए हैं? 2500 शेयर कितने? 10 ईच क्रेडिटेड टू फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर दी सर्विसेज रेंडर्ड द इनकॉर्पोरेटेड ऑफ दी कंपनी। यानी कि इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रमोटर्स को हम अपने शेयर्स दे रहे हैं, तो वो शेयर्स दे रहे हैं तो उसकी एंट्री पास आउट कर देते हैं बच्चे। तो ये एक्सपेंस क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट एक्सपेंस हो गया। तो अब ध्यान से समझो इसकी जर्नल एंट्री। तो क्या लिखेंगे अपन लोग? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। ठीक है बच्चे, कितने शेयर हैं? 2500। तो 2500 इंटू 10 रुपीज का ईच है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 25,000। ठीक है बच्चे, ये आ गया। नरेशन लिख लो, बीइंग द अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, प्रमोटर्स का हो गया। अब बड़े ध्यान सुनो, प्रमोटर्स को क्या देनी है? पेमेंट देनी है, पेमेंट कर देते हैं। उसकी जगह हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। तो एंट्री क्या आ जाएगी? प्रमोटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है बच्चे, कितने 25,000। अब इसकी नरेशन पढ़ लेते हैं बच्चे। बीइंग टू इशू ऑफ 2,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू प्रमोटर। बात समझ में आ गई? तो बेटा इस तरीके से आप प्रमोटर की एंट्रीज पास आउट कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए बेटा इसको और ध्यान से करने की कोशिश करिए।